हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी श्रुति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना रिव्यू जो कि है लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मूस फाउंडेशन के बारे में। एंड गाइस, ये इसका ट्रायल पैक है। मैंने इसका फर्स्ट ट्रायल पैक परचेज किया क्योंकि मैंने इससे पहले इसको यूज नहीं किया था। सकते हैं इसको मेरा फर्स्ट इंप्रेशन भी, क्योंकि ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ और इसका डेमो भी मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आपकी स्किन के लिए है कि नहीं और इस पर आप अपना पैसा लगाएं कि नहीं, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल में लगा हुआ है बेल बटन, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, आपको लगता है मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। मैं सबको रिप्लाई करूँगी, सबकी हेल्प करूँगी एज सून एज पॉसिबल। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मूस फाउंडेशन गाइज, इसका ट्रायल पैक है, 6 ग्राम का है। इसका प्राइस 150 रुपीज़ है। इसकी शेल्फ लाइफ है 3 इयर्स की, 3 इयर्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे इसका जो बड़ा पैक आता है वो 500 रुपीज़ अप्रॉक्स आता है, और ये पैक मुझको आफ्टर डिस्काउंट एग्जैक्ट 100 रुपीज़ का पड़ा था नायका में। पैकेजिंग की बात करें गाइज, तो इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है। पैकिंग काफ़ी क्यूट सी है, पिंक कलर है। ये पिंक कलर मुझे पसंद है, वैसे मुझे पिंक ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन ये जो पिंक है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लग्जूरियस टाइप का। अंदर इस तरीके से छोटा सा ट्यूब है ट्रायल पैक टाइप का, और जो इसका नोजल है काफ़ी छोटा सा है, फाइन सा है। शेड रेंज की बात करेगा तो इसके 3 to 4 शेड्स आते थे, लेकिन अभी लेटेस्ट में लैक्मे ने इसके 12 शेड लॉन्च किए हैं। हर स्किन कलर के अकॉर्डिंग आपके स्किन कलर का फाउंडेशन नहीं मिल पाता है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। उसके स्टोर में जाके अपनी स्किन के एग्जैक्ट मैच परचेज कर सकते हो। बट गाइज, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप अगर इसका शेड परचेज करो तो अपनी स्किन टोन से 1 टोन ऊपर ही परचेज करिएगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता है। मैं नहीं कहूँगी कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, थोड़ी देर लगाने के बाद इसका जो टोन है वो दब जाता है। क्लेम क्या करता है, वेटलेस मूस फाउंडेशन, दिस फॉर्मूला फील सॉफ्ट एंड इनक्रेडिबली वेटलेस एंड प्रोवाइड्स द डिजायर्ड कवरेज फॉर डेली यूज। इट ब्लेंड्स एफर्टलेसली ऑन टू स्किन टू कंसील इम्परफेक्शन विद अ मैट फिनिश दैट स्टे थ्रू द डे। अ फाउंडेशन सो लाइट वेट यू मे फॉरगेट यू आर वेयरिंग एनी फाउंडेशन एट ऑल, सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। बहुत सॉफ्ट सा फाउंडेशन है ये, तो मैं बिल्कुल मानती हूँ, और ये पूरे डे आपके बना रहेगा ऑफिस लुक के लिए एंड लाइट कवरेज के लिए परफेक्ट है, फॉर ऑल स्किन टाइप, हर स्किन टाइप के लिए। इसकी कंसिस्टेंसी आपको शेड बताना भूल गई गाइज, तो मेरा शेड है 02 बीज वैनिला। ये थोड़ा सा ऑरेंजिश शेड है, मतलब कि ये थोड़ा सा ऑरेंज साइड ज़्यादा है, येलो टोन कम लिए हुए है, बट मेरे लिए ये परफेक्ट है, मुझे अच्छा लगा। ये मेरी स्किन पे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड सॉफ्ट सा है, बटरी टाइप का, बट साथ ही साथ ही आपकी स्किन को ऑयली लुक भी नहीं देता है, मतलब कि मैट फिनिश देता है।
की डिटेल मैं शेयर कर रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मैट फिनिश देता है, तो हाँ बिल्कुल ये मैट फिनिश देता है। साथ ही साथ अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपके ड्राई पैचेस हैं, तो ये आपके ड्राई पैचेस को एम्फेसाइज कर देगा, मतलब कि और शो करेंगे आपके ड्राई पैचेस अगर आपके हैं। मेरे एक दो ड्राई पैचेस हैं, तो इसको लगने के बाद वो वहाँ पर सेटल हो जाता है और आपके वाइट वाइट सा दिखाई पड़ने लगता है। बात करें कि ये आपकी स्वेट को कंट्रोल करता है, तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्वेट को कंट्रोल करता है। मैंने अभी अपना एसी ऑफ कर रखा हुआ है एंड फैन भी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती, बट मेरे काफ़ी पसीना आ रहा है। ऐसा नहीं कि इसने मेरे स्वेट को कंट्रोल कर रखा है। लॉन्गविटी की बात करें फ्रेंड्स, तो हाँ ये आपके स्किन में बना रहता है 4 से 5 घंटे, पूरे दिन तो मैं नहीं मानती, लेकिन 4 to 5 hours ये आपकी स्किन पर बना रहेगा। ऑक्सीडाइज करने की बात करें फ्रेंड्स, तो हाँ ये स्किन पे ऑक्सीडाइज होता है, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसे एक स्किन टोन लाइटर परचेज करें। कवरेज की बात करें फ्रेंड्स, तो ये शीयर टू मीडियम कवरेज देता है, मतलब कि लाइट कवरेज देता है। बहुत ज़्यादा अगर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, तो ये आपके डार्क स्पॉट्स को हाइड नहीं करेगा, चाहे आप जितना भी बिल्ड कर लें। तो अगर आप नेचुरल फिनिश लवर हैं, तो ये फाउंडेशन आपको परफेक्ट है आपके लिए बिल्कुल। अगर रिकमेंड करने की बात करें फ्रेंड्स, तो ये प्रोडक्ट मैं हाईली रिकमेंड करूंगी ऑयली स्किन वालों को, जिनको एक अफोर्डेबल रेट का फाउंडेशन चाहिए, मूस फाउंडेशन चाहिए अपनी स्किन के लिए, जो कि एक लाइट वेट कवरेज दे, उनको बहुत ज़्यादा हाई कवरेज ना दे। स्कूल एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकती हैं, उनको मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूंगी। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपके ड्राई पैचेस की प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आपको अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा और अपने ड्राई पैचेस को कम करना पड़ेगा, वरना ये लगने के बाद आपके ड्राई पैचेस को और एम्फेसाइज करेगा और ड्राई स्किन वालों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। चलिए फ्रेंड्स, ये तो था मेरा शॉर्ट सा रिव्यू एंड लैक्मे 9 to 5 वेटलेस मूस फाउंडेशन के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइज रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बगल में लगा हुआ बेल बटन, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।